हेलो, एक बार जयकारे हो जाए। बोलो हरे के सहारे की जय, बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो तीन मार धारी की जय। लेकिन अभी लोगों ने कहा, आज के लोगों ने कहा, श्याम भक्त प्रधान जी, कितने सालों से आ रहे हो यहाँ पे खाटू श्याम? खाटू श्याम में एक साल से हमारे क्या चल रहा है खाटू में बताइए। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। सबसे बड़ी बात मन की बात है। अगर हम किसी चीज को मानते हैं तो उसका हमें जरूर से जरूर फल अवश्य मिलता है। यही बात सेवा के लिए, हम किसी की भी सेवा करें, अपने बच्चे की, माँ की, बाप की सेवा भी कभी नहीं आती है। और जो भाई साहब ने अपनी सेवा करते हैं, इसका दादा इनको पूरा लाभ मिल भी रहा है और मिलता भी रहेगा। और शाम का शाम भक्तों की तो यही है कि जो भी अपने मालिक है कृष्ण के राजे में जिसकी रूप में है, उसके लिए एक अखबार का करना उसका अखबार का कारना है। इसमें ऐसे जो है सब सब कंट्री वगैरह चलता रहता है। हरीशों में हमारे कार्य में सहयोगी है। मैं यहाँ पर इलेक्शन की इलेक्शन की बात नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हर इंसान के अंदर काम करने की हिम्मत होती है। अगर वो हिम्मत से काम करे तो हौसले बुलंद हो जाते हैं। उसके लिए दो बात कहूँगा, तो मैं ज्यादा बात हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इधर को देख के इधर को, हाँ, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। और वो बुढ़ापे में क्या खाक काटेगा जो जवानी में वो नहीं सकता। तालियां बनती हैं, बोलो खाटू नरेश की जय। और हर चीज का होता है रूटा रूट सकता है, फायदे में होता है फायदा। जो फायदा रहेगा वो फायदे में रहेगा। एक दूसरे की बुराई निकालने के लिए कमी निकालने वाले कम कितनी बुराई निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद करने लगे तो पता चल रहा है कि जिम्मेवारी कैसी होती है। जिम्मेवारी निभाने से होती है, कमियां निकालने से नहीं। कमी तो हम किसी भी चीज में निकाल सकते हैं और कमी तो हर जगह मिल जाएगी। सबसे पहले हमें अपनी कमी को अगर हम देखें ना तो सारी कमियां दूर करती हैं। जय सैनी साहब। तो और खेल तो ऐसे लगती है जैसे कि 50 है।